वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान तो बहुत पहले ही हो चुका है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पर उठ रहा था। लेकिन इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पूरे एनालिसिस के साथ कि 100% कंफर्म्ड प्लेइंग 11 टीम इंडिया की कैसी रहने वाली है वर्ल्ड कप के शुरुआती मैचों में। तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग एनालिटिकल वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। और आप ऐसे बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो फटाफट एमसीबी क्रिकेट फैमिली का हिस्सा बन जाइए। हिस्सा बनने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ वीडियो को लाइक करना होता है। लाइक का बटन नीचे उसको हिट कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉप टू स्पॉट की, मतलब ओपनिंग पोजीशन की, ओपनर्स की। तो भाई दो ओपनर्स ऐतिहासिक रूप से, पारंपरिक रूप से 2015 के बाद से हमने देखा है, तो भाई शिखर धवन रोहित शर्मा का कोई तोड़ नहीं है, यहाँ पर यही दोनों ओपनिंग करने वाले हैं। आईपीएल में भी हमने देखा कि किस तरह से शिखर धवन अपने फॉर्म में लौट आए, और धवन अगर फॉर्म में लौट आया ना भाई तो बहुत बुरी मुश्किलें कर देगा सामने वाली टीम के लिए। हालांकि तीन दावेदार थे ओपनिंग के लिए, केएल राहुल भी बहुत तगड़े ओपनर है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि केएल राहुल को इस टीम में एज ए ओपनर जगह मिलने वाली है। अगर ओपनर हमारे इन दोनों में से कोई एक फ्लॉप होता है तो फिर केएल राहुल का प्रमोशन होगा। अब बात कर लेते हैं भाई मिडिल ऑर्डर की, क्योंकि नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 का जो स्पॉट है ना, वो किसी भी टीम में वर्ल्ड कप में बहुत अहम होगा। बैटिंग पिचेस अमूमन हमें मिलने वाली है, जिस तरह से ट्रेंड आ रहा है इंग्लैंड का। तो भाई इन तीन स्पॉट में नंबर 3 का जो स्पॉट है वो तो भरा चुका है, विराट कोहली के अलावा वहां पर कोई विकल्प है भी नहीं, और विराट कोहली कप्तानी भी करेंगे। नंबर 4 का स्पॉट है जिस पर लगभग 1.5 साल से बहस चल रही थी, कौन उतरेगा कौन नहीं उतरेगा, लेकिन इस टीम ने सारी बहस को अंजाम पर पहुंचा दिया है। दो ऑप्शन है आपके पास नंबर 4 के लिए, या तो आप दिनेश कार्तिक को प्रमोट करके उतार दो या फिर केएल राहुल को उतार दो। और जिस तरह के फॉर्म में केएल राहुल आईपीएल में रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी और को चांस देना सही समझेंगे विराट कोहली। उन्हें लिया ही रवि शास्त्री और विराट कोहली ने इसीलिए अपनी टीम में। तो नंबर 4 स्पॉट केएल राहुल को जाने वाला है, विच इज फॉर श्योर कंफर्म, आप लिख कर रख लीजिए। अगर वो नहीं चले तो फिर दिनेश कार्तिक की एंट्री होगी, क्योंकि इसके अलावा इनके पास विकल्प नहीं है। हालांकि कार्तिक के स्थान पर मैं पहले भी बोल रहा हूँ ऋषभ पंत और रायडू अच्छा ऑप्शन थे, पंत बहुत अच्छे ऑप्शन थे, लेकिन अब क्योंकि टीम में ही नहीं है, 23 में ही आखिरी डेट है, जब तक देखते हैं क्या होता है, अभी तक तो यही रहेगा। पांचवा पोजीशन जो है वो भी हम सबको पता है कि क्या रहेगी, वो महेंद्र सिंह धोनी उतरेंगे। तो दीज आर द 3 मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स जो कि उतरने वाले हैं टीम इंडिया की तरफ से। अब बात कर लेते हैं भाई लोअर ऑर्डर की, मतलब हमारे दो प्रॉपर ऑलराउंडर्स की, क्योंकि यहाँ पर ओडीआई क्रिकेट में ये फिनिशर्स का रोल निभाएंगे, बहुत अहम हो जाएंगे। नंबर 6 का स्पॉट दोस्तों, यहाँ पर या तो विजय शंकर उतरेंगे या फिर उतरेंगे रविंद्र जडेजा। 80% चांसेस विजय शंकर की है, क्योंकि पिचेस जो है ना वहां पर इंग्लैंड में, वो विजय शंकर को काफी ज्यादा सूट कर सकती है, बैटिंग भी अच्छी करना है विजय शंकर। तो मेरे हिसाब से तो भाई आप ये कह सकते हैं कि नंबर 6 का स्पॉट विजय शंकर का है। नंबर 7 पर तो हार्दिक पांड्या है ही, और आईपीएल में हमने देखा कि किस तरह के फॉर्म में लौट आए थे। तो नंबर 6 और नंबर 7 का स्पॉट भी ऑल थॉट कंफर्म हो चुका है कि किस तरह का रहने वाला है। 6th नंबर विजय शंकर, 7th नंबर हार्दिक पांड्या। और अब बात कर लेते हैं भाई गेंदबाजों की, क्योंकि जो हमारे 4 टेलेंडर्स रहेंगे, गेंदबाज रहेंगे, उनका बहुत ज्यादा अहम रोल रहेगा इस बार के वर्ल्ड कप में। क्योंकि वर्ल्ड कप में भाई अगर आपको जीतना है तो तेज गेंदबाज जरूरी होंगे इंग्लैंड की धरती पर। तो नंबर 8, नंबर 9 ऑल थॉट कंफर्म कुलदीप यादव, यजवेंद्र चहल उतरेंगे, यहाँ पर कोई डाउट नहीं। नंबर 10 पर बुमराह उतरेंगे। नंबर 11 का स्पॉट फंस गया, क्योंकि या तो आप भुवी को उतार सकते हैं या शमी को उतार सकते हैं। अगर आईपीएल में शमी अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो शायद टीम में जगह ही नहीं बना पाते, लेकिन क्योंकि शमी खेल रहे हैं और बहुत तगड़े फॉर्म में भी है तो आपको उनकी तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड की धरती एक ऐसी पिचेस मिलेंगी वहां पर जो कि शमी जैसे प्लेयर्स को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, भुवी को भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो जो प्रैक्टिस मैचेस होंगे ना भाई वर्ल्ड कप से पहले, उसमें यह तय होगा कि कौन से तेज गेंदबाज खेल रहा है। मेरे हिसाब से तो भाई यही प्लेइंग 11 रहेगी, भुवी को फिर से तरजीह दी जाएगी इस टीम में, शमी को बाहर बैठना पड़ सकता है, ज्यादातर चांसेस भाई भुवी के ही है। तो ये 11 खिलाड़ी जो आप साइड में भी देख पा रहे होंगे, ये ही टीम इंडिया की प्राइमरी प्रॉपर प्लेइंग 11 का हिस्सा रहने वाले हैं। 23 तारीख को इस पर और फाइनलाइज डिसीजन आएगा, क्योंकि केदार जाधव की इंजरी एक बड़ा इशू बनी हुई है। तो केदार की इंजरी के ऊपर पूरी डिटेल्स और रिप्लेसमेंट के साथ भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, उसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वर्ल्ड कप की, आईपीएल की, क्रिकेट से जुड़ी हुई तमाम इसी तरह की आइडियल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।